गुड इवनिंग एवरीबडी। आज मैं आप सभी को एक ऐसा गेम बताने वाला हूँ फैंटेसी में, जो आपको 100% प्रॉफिट निकाल के देगा। आप जितना भी लॉस अभी झेल रहे हो, आपका सब कवर अप हो जाएगा। देखो, कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि बिल्कुल आपको जो है मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको अपने आप पैसा मिल जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होता। आपको थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, पर इस बात की गारंटी लेता हूँ 100% आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। देखो कैसे निकाल के देगा, मैं आपको बताता हूँ। एक गेम होता है सेकेंड इनिंग गेम। क्या होता है फैंटेसी, तो आपने नॉर्मल सुनी होगी, जैसे आपका ड्रीम इलेवन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप गाइस ये देखो कि ये आपका ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन है, जिसमें आपका फैंटेसी क्या होता है। फैंटेसी मतलब होता है जैसे कि आपका मैच है कोई, जैसे ये मान लीजिए कोई आपका मुकाबला है, मैं कोई बड़ा मुकाबला ले लेता हूँ आपके एग्जांपल के लिए, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान का T20 मुकाबला है। अब इस मैच के बेस पे हमको पूरी टीम बनानी है, हमको क्या करना है, इस मैच को दिमाग में रखते हुए हमको टीम बनानी है। 22 खिलाड़ी खेलते हैं कुल मिला के, 22 में से अपने को 11 सेलेक्ट करने, 11 सेलेक्ट करने के बाद अपने को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है मैच को देख के। आप मेरा पॉइंट समझो, मैं कह रहा हूँ इस पूरे मैच को देख के आपको लगता है कि मैच में बाबर आजम अच्छा खेलेगा, आपको लगता है मैच में क्रिस गेल अच्छा खेलेगा, आपको लगता है मैच पे, मतलब आप एक तरीके से आप एक चीज़ को एनालाइज़ करके, टीम एनालाइज़ करके तब आप एक टीम बनाओगे। पर इसके आपके इस टीम के फ्लॉप होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा सेकेंड इनिंग गेम क्या होता है, कैसे आपको जीतना है, कैसे खेलना, कहाँ खेलना, और ये गेम में आप प्रॉफिट कैसे कर सकते हो। देखो बहुत भयंकर ट्रिक है, आप हमेशा प्रॉफिट लेके जाओगे, बस सुनो ध्यान से। आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, मैंने ये मुकाबला जैसे ज्वाइन किया है, इसमें आप देखो, अगर मान लो ये कैप्टन मेरा चल रहा है जेसन रॉय, लेट सपोज़ ये मेरी टीम का जो कैप्टन है वो हो जाता है फ्लॉप। मान लीजिए जेसन रॉय बैट फर्स्ट कर रहा है और जेसन रॉय हो जाता है फ्लॉप। यहाँ पे मैंने कोई कॉन्टेस्ट तो नहीं ज्वाइन किया, अगर मैं कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता, जैसे कि मैं कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता, मान लीजिए यहाँ पर मैं अगर आपके एग्ज़ाम्पल के लिए लेके चलूँ, मैं एक लो कॉन्टेस्ट लेता हूँ जो हर भाई हमारे कर सकते हैं ज्वाइन। जैसे कि मान लीजिए ये हम कर लेंगे 17 रुपये वाला ही कॉन्टेस्ट कर लेते हैं एग्जांपल के लिए, 17 रुपये में आपको 44 रुपये विनिंग अमाउंट मिलेगा। तो इसको हम अगर ज्वाइन कर लिए और हमारा कैप्टन हो गया फ्लॉप, हमारे जो ओपोनेंट का कैप्टन है वो दूसरा है, जेसन रॉय के अलावा कोई दूसरा है, और जेसन रॉय हमारा कैप्टन था वो हो गया फ्लॉप। अब हमको लग रहा है कि हम ये लीग एक तरफा हार चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा भाइयों, अगर आप पूरे मैच में कॉन्टेस्ट आपने खेला भी हो या नहीं भी खेला हो, तब भी आपके लिए दोनों तरीके से सेकेंड इनिंग फैंटेसी अच्छी है। देखो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पर आपको 100% प्रॉफिट निकाल के देगा। आपने क्या किया, इस कॉन्टेस्ट को खेला, आपका कैप्टन हो गया फ्लॉप, अब आपका कैप्टन हो गया जेसन रॉय फ्लॉप। अब दूसरी जो टीम चेस कर रही है, मैं बता देता हूँ आपको चेस कौन सी टीम कर रही है। देखो गाइज, यहाँ पे हमारा जैसे मान लीजिए अभी तो जेसन रॉय खेल रहा है, लेट हमने प्रेडिक्शन सही की है, तो जेसन रॉय अभी खेल रहा है। अगर जेसन रॉय जीरो पर आउट हो जाए, आपके ओपोनेंट का कैप्टन कोई और हो, अब आपको यहाँ पे गेम क्या करना है, गेम आपको ये करना है, ये जो आपका फर्स्ट इनिंग ख़त्म होने का आपको इंतज़ार करना है। ये तो खैर 100 बॉल क्रिकेट मैच है, तो इस पर आपको देखो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से आपको समझ में जो आएगा। यहाँ पर आप देखोगे अगर, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लेरिफाई होगा अगर आप देखोगे। सो आप गाइस देख सकते हो, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होगे 20 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 20 ओवर मतलब सेकंड इनिंग शुरू होने वाली है। पहली इनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इनिंग्स ब्रेक, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो इनिंग्स ब्रेक आपको दिख रहा है, इनिंग्स ब्रेक दिखने के बाद अगर आप यहाँ पर नज़र डालोगे तो ये पूरा ओवर हो चुका है ख़त्म। लेट सपोज़ हम मान लेते हैं हमारा कैप्टन था आज के मैच के लिए, हमारा कैप्टन लेट सपोज़ था, हमने कैप्टन रखा, मान लो हमने हफीज़ को कैप्टन रखा, हफीज़ यहाँ पे हो गया फ्लॉप, रिजवान और बाबर हमारे ओपोनेंट का कैप्टन था। अब हमको क्या करना है, जब वेस्ट इंडीज़ की टीम चेस करेगी, मतलब सेकेंड इनिंग आएगी। देखो मैच के दो रुख होते हैं, एक होता है आपका फर्स्ट इनिंग, एक होता है आपका सेकेंड इनिंग। मैं आपसे ODI की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे T10 की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे T20 की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे टेस्ट मैच की बात नहीं कर रहा हूँ। टेस्ट मैच में 4 इनिंग्स होती हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी T20 और ODI की। तो T20 में आपका 20 ओवर के बाद आपकी इनिंग सेकेंड स्टार्ट हो जाती है, और ODI में आपका 50 ओवर के बाद आपकी सेकेंड इनिंग शुरू हो जाती है। सो हमने क्या किया, 20 ओवर हमारी टीम हो गई फ्लॉप, 20 ओवर हो गए ख़त्म। देखो हमारा जैसे मान लो ओवर हो गया ख़त्म, अब हमको क्या करना है, अब हमको लग रहा है एक कंडीशन हमने यहाँ पे देखी कि 157 रन पे स्कोर है, पाकिस्तान ने 157 बनाया, हमारा कैप्टन हफीज़ था और हमारा कैप्टन हो गया फ्लॉप, हमारा कैप्टन फ्लॉप हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको वो वाला जो हमने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया था वो हमको अपना लॉस कवर अप करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे कि 17 रुपये वाला जो हमने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया था,
ये वाला जो गाइस हमने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया था, 17 रुपये में 44 रुपये विनिंग अमाउंट था। हम अगर ये वाला हार चुके हैं तो हमारा 17 रुपये का तो हो चुका है लॉस। अब हम क्या करेंगे, एक रिस्क हम इस मैच पे और लेंगे। रिस्क क्या, ये आपका 100% आपका जो बोलते हैं कि आपका लॉस है वो आपका कवरअप करा देगा। देखो कभी कदार हो गया कि आपकी किस्मत बहुत गंदी हुई उस दिन तो आप हार जाओगे, अदरवाइज़ आप 100 में से 90-95% मुकाबले जीतोगे। ठीक है गाइस, सो अगर मैं बताऊं आपको, देखो मैं आपको फिर से दिखाता हूं। यहां पे आप देखोगे हमने क्या किया, सेकेंड इनिंग को एनालाइज़ किया। पहले इनिंग को हमने एनालाइज़ किया कि भैया 157 रन पाकिस्तान ने बनाए हैं। अब हमें एनालाइज़ करेंगे कि भैया यहां पे हेल्प किसको मिल रही है। सारे पॉइंट मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा, बार बार मैं आपको नोट्स की तरफ नहीं ले जाऊंगा। आपको देखो मैं बताता हूं, जेसन होल्डर को हेल्प मिली, डीजे ब्रावो को हेल्प मिली। अगर आप देखोगे स्पिनर को एक भी विकेट नहीं मिला, स्पिनर को एक भी विकेट नहीं मिला। फास्टर को भी देखो, अकील हुसैन अच्छा परफॉर्मेंस देके गए थे पर उसको भी ज़्यादा हेल्प नहीं मिली। और यहाँ पे हेल्प कैसे टाइप के बैट्समैन को मिलती है, जो क्लासिक बैट्समैन होता है, जैसे कि बाबर आजम क्लासिक बैट्समैन, शर्जील खान तोड़फोड़ वाला बल्लेबाज है, तो इसलिए इसको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। फ़खर जमान तोड़फोड़ वाला है और आपका मोहम्मद हफीज़ भी तोड़फोड़ वाला है। शादाब खान भी परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि ये हिट एंड मिस वाला प्लेयर है। सो यहाँ पे आपने एक चीज़ देख ली। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अब सेकेंड इनिंग गेम में क्या होगा। सेकेंड इनिंग गेम में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि फास्ट बॉलर को हेल्प मिली पहले इनिंग में, तो सेकेंड इनिंग में भी उस पिच पे किसको हेल्प मिली होगी, फास्ट बॉलर को। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो फास्ट बॉलर को हेल्प मिली। फास्ट बॉलर को हेल्प मिलने के बाद अब आपको क्या करना है, सेकेंड इनिंग को करना है आपको ऑब्जर्व। देखो आपको पहली चीज़ तो आपको पिच रिपोर्ट अच्छे से ऑब्जर्व करनी है कि पहली इनिंग में किस बॉलर को हेल्प मिलती है, सेकेंड इनिंग में किस बॉलर को हेल्प मिलती है। देखो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 11 प्लेयर सेलेक्ट करने रहते हैं सेकेंड इनिंग गेम में। तो मान लीजिए मैं वेस्ट इंडीज़ की टीम पहले बैट सेकेंड इनिंग में बैट कर रही है, तो मतलब वेस्ट इंडीज़ की टीम चेस कर रही है। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से हमने मेन बैट्समैन ले लिए जो आपको लगता है कि हाँ ये खेल सकते हैं। ठीक है, मतलब इतने तक ही बैटिंग आएगी, जैसे ड्वेन ब्रावो तक बैटिंग आएगी, तो आपने यहाँ तक बैट्समैन को सेलेक्ट कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से क्या करोगे, आप सारे बॉलर को सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, मतलब जितने बॉलर हैं 1, 2, 3, 4, 5 बॉलर को सेलेक्ट कर लिया, इधर से आपने 6 बैट्समैन को सेलेक्ट कर लिया, एक को आपने छोड़ दिया, तो कुल मिला के आपका लगभग ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैरन पोलार्ड तक आपका आ जाएगा, कैरन पोलार्ड तक आ जाएगा, 6 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, तो कुल मिला के आपका ये कुछ ऐसी टीम बन जाएगी। अब क्या होगा गाइस, अब सुनो, आपने सेकेंड इनिंग की टीम बना ली, अब आपको स्कोर कार्ड को ऑब्जर्व करना है। स्कोर कार्ड को कैसे ऑब्जर्व करना है, अभी आपको ये टारगेट दिख रहा है 157 रन पे 8 विकेट, मतलब यहाँ पे बॉलर को भी हेल्प मिलती है, फास्ट बॉलर को भी हेल्प मिलती है फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में स्पिनर को हेल्प मिलती है। ये पिछली रिपोर्ट आप एनालाइज करोगे मेरी वीडियो में तो आपको बहुत अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सेकेंड इनिंग में अपने को स्पिनर शामिल करना है। स्पिनर आपने शामिल कर लिया, और अब आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि यहाँ पे जो स्कोर कार्ड है वो कितना गया। ये अभी 157 पे गया है भैया, अगर ये 100 ही रन होता तो क्या छठे नंबर तक कायरन पोलार्ड तक बैटिंग जाती, बिल्कुल नहीं जाती। तब आप क्या करते, यहाँ पे आपका कैप्टन तब एंड्रे फ्लेचर होता, क्योंकि बहुत तेज़ खेलता है और बहुत तेज़ गति में रन बनाएगा, 50-60 रन बड़े आराम से बना के दे देगा आपको। ये आपका कैप्टन होगा, आप एक तरफा लीग वॉन कर जाओगे। ठीक, तो ये आप चीज़ आपने नोटिस की, उसके बाद आप देखो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की, स्कोर कार्ड बहुत मैटर करता है। अभी अगर यही स्कोर 20 ओवर में 200 के ऊपर होता ना, तो आपको जो है क्या करना रहता, पाकिस्तान की टीम की तरफ से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बॉलर को बनाना होता। पाकिस्तान की टीम क्या कर रही है, बॉलिंग करा रही है सेकेंड इनिंग में, यानी वेस्ट इंडीज़ की टीम चेस कर रही है। अगर ये टारगेट 200 का होता तो आपको पाकिस्तान की टीम की तरफ से कैप्टन वाइस कैप्टन आपको पाकिस्तान के बॉलर बनाने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है, अगर आप ये चीज़ तो जानते ही होगे, T20 में 200 से अबव टारगेट, ODI में 300 से अबव टारगेट सेकेंड इनिंग वाली टीम को प्रेशर क्रिएट कर देता है बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं आधा चांसेस से ज़्यादा ये हो जाता है कि जो टीम पहले बैट फर्स्ट करी है उसका मुकाबला जीतने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू चेस वाली। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए टारगेट 200 के अबव होता तो आपको पाकिस्तान की टीम की तरफ से बॉलर ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने हैं, और आपको वेस्ट इंडीज़ का एक आध जो है आपको प्लेयर छोड़ देना है, और आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है पाकिस्तान का बॉलर। टीम का कॉम्बिनेशन आप समझ गए होंगे, आपको डिसाइड करना है कि पहली इनिंग में किसको हेल्प मिली, पहली इनिंग का टारगेट क्या है, पहली इनिंग का आपका स्कोर कार्ड क्या है, पहली इनिंग में क्या कंडीशन हुई, और सेकेंड इनिंग में आपको ऑब्जर्व करना है कि सेकेंड इनिंग वाली टीम ज़्यादा अच्छी है या पहली इनिंग वाली टीम अच्छी है। अगर पाकिस्तान ज़्यादा अच्छी है तो पाकिस्तान के ज़्यादा प्लेयर लोगे, वेस्ट इंडीज़ ज़्यादा अच्छी है तो वेस्ट इंडीज़ के ज़्यादा प्लेयर लोगे। मेरे हिसाब से आप ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो रहा होगा, तो समझ गए आप क्या आपको टीम कैसे बनानी है। आपको स्कोर कार्ड जो मेन चीज़ है वो आपको स्कोर कार्ड, पिच रिपोर्ट,
पहली इनिंग का स्कोर कार्ड, पहली इनिंग का टारगेट, पहली इनिंग की पिच रिपोर्ट बहुत मैटर करेगी। सेकेंड इनिंग में ड्यू फैक्टर होने वाला, स्पिनर को हेल्प नहीं मिलेगी, फास्ट बॉलर को ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना भी तो फास्ट बॉलर को बनाना। ये सब जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये आपको क्लियर हो जाएंगे तो आप बड़े आराम के साथ सेकेंड इनिंग की टीम बना पाओगे। मेरे हिसाब से आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा और ये सबसे आसान गेम है फैंटेसी का। प्रेडिक्ट क्या इसमें आपका बहुत ज़्यादा चांसेस होता है आपका जीतने का, आप समझ सकते होगे सिर्फ। सो आप एक बार एटलीस्ट ट्राई करके देखना। ड्रीम इलेवन में क्या होता है, आपको सिर्फ पूरे मैच का वीडियो, आपको पूरे मैच का जो है आपको कंटेस्ट खिलाया जाता है। मतलब जैसे एक मैच है कोई, उसका आपको पूरा कंटेस्ट दे दिया जाएगा पूरे मैच में कि इस मैच में क्या होने वाला है, आप अपनी उस हिसाब से टीम बनाओ। पर आपको सेकेंड इनिंग खेलना कहाँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो सेकेंड इनिंग खेलने के लिए मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ गाइज। अगर आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल देखोगे, आदित्य फैंटेसी एक्सपर्ट इसका नाम है, आपको सिंपल सा सर्च बार में जाके सर्च करना है और सर्च करने के बाद आप इस चैनल पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। जो भी मैसेज मैंने यहाँ पे पिन किया हुआ है उस एप्लीकेशन में आप सेकेंड इनिंग गेम खेल सकते हो। आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन हो सकती है कि आपकी मर्ज़ी, आपको जहाँ खेलना हो वहाँ खेल सकते हो। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको कोई लिंक दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई पेड प्रमोशन कर रहा हूँ कि भैया आप इसी में खेलो। मैंने तो आपको सेकेंड इनिंग गेम बताया। आप जिस भी फैंटेसी वेबसाइट में खेलते हो अगर उसमें सेकेंड इनिंग गेम हो तो आपको ऐसे खेलना है, आपको ऐसे ऑब्जर्व करना है, आपको ऐसे टीम बनानी है। किस हिसाब से टारगेट जाता है उस हिसाब से आपने टीम बना ली। अब आपको कॉन्टेस्ट कौन सा ज्वाइन करना है, जैसे मैंने आपको बताया आपने पहली इनिंग में ज्वाइन किया 17 रुपये का कॉन्टेस्ट, आपने पहली इनिंग में ज्वाइन किया 17 रुपये का कॉन्टेस्ट, आपको सेकेंड इनिंग में लग रहा है कि आप ज़्यादा अमाउंट वोन कर सकते हो, आपका जो प्रिडिक्ट किया हुआ प्लेयर है वो 100% परफॉर्म करके जाएगा, तो आप क्या करो, अगर आपने पहली इनिंग में 17 रुपये का कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है तो आप सेकेंड इनिंग में 27 रुपये का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। पहली इनिंग में आपने 17 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, यहाँ आपने 27 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, कुल मिला के आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपकी हो गई है 44 रुपये की। 44 रुपये में अगर आपका एक बार में 70 रुपये विनिंग प्राइस आ जाता है तो आपका जो है 26 रुपये लॉस भी कवर होता है। आपने एक कॉन्टेस्ट भी जीत लिया सेकेंड इनिंग में, आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा आपको मैं प्रॉफिट दिला के जा रहा हूँ सेकेंड इनिंग गेम के कॉन्सेप्ट से। मतलब आपको हर जगह अगर आपने मैथमेटिक्स का यूज़ कर लिया तो आप हर जगह प्रॉफिट निकाल के जाओगे, क्योंकि यार सेकेंड इनिंग प्रेडिक्ट करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप कहोगे तो मैं अपने टेलीग्राम पे सेकेंड इनिंग जो टीम है वो भी पोस्ट कर दिया करूँगा, बस आप एक बार मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो या फिर आप मेरे को जो है टेलीग्राम पे मैं पोल डाल दूंगा, वहाँ पे आप मेरे को पोल पोस्ट कर देना, मैं सेकेंड इनिंग टीम भी आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। मैं आपका लॉस कवर अप कराना चाहता हूँ, आपको इतना लॉस हुआ है वो मैं कवर अप कराना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको बस ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट इनिंग में। देखो ऐसा मैं नहीं कह रहा कि फर्स्ट इनिंग गेम आपको नहीं खेलना, फर्स्ट इनिंग गेम आप खेलो। फर्स्ट इनिंग गेम में अगर आप एक तरफा जीत रहे हो आपको पहली इनिंग में ही काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाती हैं। अगर आपका ये है कि भैया अकील हुसैन अगर एक विकेट ले लेगा तो शायद मैं जीत जाऊँ, पर उसका कैप्टन फ्लॉप होना चाहिए, तब आप सेकेंड इनिंग गेम ज़रूर खोलो, सेकेंड इनिंग गेम तब आप ज़रूर खेलो। अगर आपका लगता है कि भैया मेरा एक तरफा वन हो गया, इतना आगे मैं निकल आया हूँ 100-150 पॉइंट से कि सेकेंड इनिंग में वो मुझे हरा ही नहीं सकता, तब आप मत खेलो, कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको तब भी खेलना है तो सेकेंड इनिंग गेम कोई बुरा नहीं है, बहुत सही चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करा के देगी, गारंटी लिख के ले लो आप मुझसे। जितना आप ये फैंटेसी गेम में खेलते हो सेकेंड इनिंग फैंटेसी खेल के देखो, ना मज़ा आ जाए ना पैसा आ जाए तो आप मेरे को कहना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया लीग आपको कैसे ज्वाइन करनी है, आपको कॉन्टेस्ट कैसे ज्वाइन करनी है, आपको टीम कैसे बनानी है, ठीक है। अब जो है आपको बस ये करना है कि पहली इनिंग का आपको गेम यहाँ खेलना है जहाँ आप चाहो वहाँ खेलना है, सेकेंड इनिंग का गेम आपको वहाँ खेलना है जहाँ आप चाहो वहाँ खेलना है। मैंने आपको एक ऐप बता दिया, आप वहाँ पे जा सकते हो अगर आपका मर्जी है तो सेकेंड इनिंग का कॉन्सेप्ट आपका हो गया क्लियर। अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट में मेंशन करके बताओ, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और बनाऊंगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी, आपको प्रॉफिट करा के देगी, इस बात की गारंटी लेता हूँ आपको ये प्रॉफिट करा के देगी। बस आप मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट जरूर फॉलो करना, स्कोर को अच्छे से ऑब्जर्व करना, पिच रिपोर्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करना, और आप जिस बैट्समैन पे रिस्क ले रहे हो आप देखो उसकी रिसेंट फॉर्म कैसी है, मतलब यार उस टीम के खिलाफ परफॉर्म कर पाता है नहीं कर पाता। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मशक्क़त तो करनी पड़ेगी। एक शायरी सुना के आपको विदा करना चाहूँगा, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत करना लिखा है। तो अगर आप फैंटेसी में भी आप अपनी किस्मत आजमा रहे हो तो आप 100% लॉस लेके जाओगे, अगर आप इसमें मेहनत करते हो तो आप पक्का प्रॉफिट लेके जाओगे। एनालिसिस करना मैच को सीख जाओ और प्रॉफिट कवर करना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आई होगी पसंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना।